नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को कोरोना के पश्चात उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रक्षा कर्मियों को 42,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की गई। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी द्वितीय विश्वयुद्ध की तरह इतिहास की एक परिवर्तनकारी घटना होगी। आज इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेप्पे कोंते के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को अपने आप को कोरोना पश्चात की स्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। यह साफ है कि कोविड-19 महामारी सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह इतिहास में एक वॉटरशेड रहेगी। हम सभी को इस नई दुनिया के लिए, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के लिए अपने आप को एडेप्ट करना होगा। इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इटली में कोविड-19 के कारण हुए नुकसान के लिए भारत की जनता की ओर से संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देशों को जब कोरोना वायरस की जानकारी मिल रही थी और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, तब इटली इससे जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि इटली ने पूरी तत्परता से और सफलतापूर्वक स्थिति पर नियंत्रण किया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 के बाद स्थिति सुधरेगी और भारत को इटली के संसद के सदस्यों के स्वागत का अवसर मिलेगा। एक्सलेंसी, आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। 2018 में टेक समिट के लिए आपकी भारत यात्रा और हमारी मुलाकात अनेक पहलुओं को स्पर्श करने वाली रही। भारत के लोगों के मन में भी इटली के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा करने वाली रही और यह खुशी की बात है कि 2018 में हमारी बातचीत के बाद आपसी आदान प्रदान में काफी गति आई है। मुझे ये जानकर खुशी है कि इटली की संसद ने पिछले साल इंडिया इटली फ्रेंडशिप ग्रुप स्थापित किया है। मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद हमें इटालियन पार्लियामेंट मेंबर्स का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा। विदेश मंत्रालय में यूरोप पश्चिम क्षेत्र के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं वार्ता है। उन्होंने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि श्री कोंते ने श्री मोदी को कवि दांते अलिघेरी की 700वीं जयंती समारोह में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। एक सवाल के जवाब में श्री चक्रवर्ती ने बताया कि बातचीत में आर्थिक संबंधों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। ऊर्जा, हरित ऊर्जा, संस्कृति और मीडिया क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौते किए गए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सीमा पर झड़पें और अकारण सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में बदलने से इंकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के वेबिनार में जनरल रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन की पीएलए भारतीय सेना के कड़े जवाब के कारण लद्दाख में अपने दुस्साहस का परिणाम भुगत रही है। जनरल रावत ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और देश वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा।
The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Force's firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued. जनरल रावत ने कहा कि भारत का कद बढ़ रहा है, इसलिए उसी अनुपात में सुरक्षा के समक्ष चुनौती भी बढ़ती जा रही है। जनरल रावत ने दोहराया कि देश को सैन्य जरूरतों के लिए किसी एक राष्ट्र पर निर्भरता या प्रतिबंधों के निरंतर खतरे से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश वर्तमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक स्वतंत्रता की दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता हासिल करने के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में 15 जिलों के किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल सहित 78 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इसके साथ वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 2,35,00,000 से अधिक मतदाता, 110 महिलाओं सहित 1,204 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया है कि वाल्मीकिनगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी के 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक होगा। कुल 33,782 मतदान केंद्रों में से 4,999 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कल 78 विधानसभा क्षेत्रों में और 1 वाल्मीकि नगर लोकसभा में मतदान होगा, उसके लिए पूरी तैयारी कंप्लीट है। पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंच गई हैं, सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उसके अलावा मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, जहां रिवराइन एरिया है वहां पे बोट पेट्रोलिंग और घुड़सवार दस्ते रहेंगे, और एरियल सर्वेलांस के लिए तथा इमरजेंसी नीड्स के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है, जो कि हम लोगों ने कर रखी है और वो नॉर्थ बिहार में स्टेशन। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड स्थिति के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 मतदाता की बजाय 1,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित 12 मंत्री इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। भाजपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड 37 और विकासशील इंसान पार्टी VIP के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन में शामिल RJD 46, कांग्रेस 25 और वामपंथी दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। LJP के 42 उम्मीदवारों के अलावा RLSP 23, BSP 19 और NCP के 21 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। इसके अलावा विजेंद्र यादव, बीमा भारती, फिरोज और रमेश ऋषिदेव समेत 12 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कृष्ण कुमार लाल। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुका है। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से पश्चिम बंगाल का खोया हुआ गौरव और विरासत फिर से वापस लाने की अपील की है। आज कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से उन्होंने ये बात कही। बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र
बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 77,65,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से संक्रमित लोगों में से केवल 6.19% ही अब संक्रमित हैं। सरकार ने कहा है कि इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 78% से अधिक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84,00,000 से अधिक हो गई है। केंद्र की प्रभावी नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 670 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 1,24,985 हो गई है। नागालैंड में आज कोविड 19 के 63 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,327 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ए पांगन्यू फोम ने एक ट्वीट में कहा कि 117 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनमें 76 दीमापुर से और 37 कोहिमा से हैं। अब तक कुल 8,195 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 87.86% है। वर्तमान में कुल 997 रोगी कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आज कहा है कि महानगर के सभी 24 प्रशासनिक वार्डो में कोविड 19 रोगियों की संख्या के दोगुना होने की अवधि 200 दिन से अधिक हो गई है। महानगर पालिका की ताजा अधिसूचना के अनुसार 24 वार्डो में 4 वार्डो में रोगियों की संख्या के दोगुना होने की अवधि 300 दिन से भी अधिक हो गई है, जबकि 11 में ये 200 दिन है। इतना ही नहीं, कोरोना रोगियों की संख्या की साप्ताहिक औसत वृद्धि दर अब घटकर 0.33% हो गई है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रत्येक बीते दिनों के साथ बीएमसी द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपाय अनुकूल परिणाम दे रहे हैं। कोरोना मरीजों के दोहरीकरण की अवधि जितनी अधिक होगी उतना ही संक्रमण दर कम होगा। इस तथ्य पर विशेष ध्यान देकर नगर निगम द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। केवल 8 दिनों के भीतर मुंबई में कोविड रोगियों का दुगना होने का दर 51 दिनों से बढ़कर 2006 हो गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मेघालय में कोविड 19 के आज 86 नए मामलों की पुष्टि हुई। 91 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य सेवा विभाग के एक बयान के अनुसार 9,979 कोविड मामलों में से 8,904 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में 984 सक्रिय मामले हैं। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 91 हो गई है। इसके साथ ही मृतक दर 0.91% हो गई है। कर्नाटक के बंगलुरु में वृहत बंगलुरु महानगर पालिका और शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बंगलुरु में राज्य के कोविड 19 के सबसे ज्यादा मामले हैं। दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मुलाकात कर कोविड 19 संक्रमण वाले मरीजों की दर और मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों के बारे में योजना तैयार की। एक रिपोर्ट। मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में 3,45,134
कोविड पॉजिटिव मरीज अभी तक पता चले हैं और 3,927 लोगों की मृत्यु हुई है। बेंगलुरु में पॉजिटिव रेट 3.36% है और मृत्यु दर 1.14%। नगर निगम ने 53,000 कोविड टेस्ट कल किए जिसमें से 1,600 कोविड पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण के रोकथाम के लिए आज मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे और मास्क के पहनने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। पुलिस और नगर निगम के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। नगर के पूर्व पश्चिम और दक्षिण भाग में टेस्टिंग की वजह से संक्रमण कम हुआ है। इसी तरह नगर के बाहरी प्रदेशों में टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मार्शल्स लोगों से फाइन लेते वक्त उनको पुलिस की सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा गया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,002 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 7,854 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में राज्य में 83,208 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 63,000 नमूनों की जांच की गई। इस बीच कोरोना संक्रमण से आज 27 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 1,640 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज कुमार चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नम्बर 1800115767 और लैंडलाइन नम्बर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप newsonair से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को कोरोना के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रक्षाकर्मियों को 42,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की गई। और आईपीएल क्रिकेट में आबू धाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। सरकार ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना पर अमल के बाद प्रतिरक्षा सेनाओं के 20,60,222 पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 42,740 करोड़ रूपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। सरकार ने भारी वित्तीय बोझ के बावजूद नवंबर 2015 में वन रैंक वन पेंशन योजना पर अमल का ऐतिहासिक फैसला किया था और 1 जुलाई 2014 से रक्षा कर्मियों को इसका फायदा दिया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभार्थियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिशों के अनुसार पेंशन निर्धारित करने का फायदा भी दिया गया। इस पेंशन योजना के अंतर्गत समान रैंक और एक समान सेवा अवधि वाले रक्षा कर्मियों को उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख का अंतर किए बिना एक समान पेंशन देने का प्रावधान है। इससे अतीत में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और हाल में सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन में अंतर दूर कर दिया गया है। पूर्व सैन्यकर्मी करीब 45 साल से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी दर्शन में गुंबद के भीतर लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में 2 साल तक चलने वाले आयोजनों के तहत लगाया गया है। इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि गांधी जी का व्यक्तित्व आज भी समूची मानवता को प्रेरणा देता रहता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दर्शन में जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। डॉ हर्षवर्धन ने गांधीवादी जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी मंत्रालय के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि वे बेहतर और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए गांधी जी की शिक्षाओं को अपनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के हजीरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन और हजीरा तथा घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसे देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों और सड़क मार्गों के बीच संपर्क स्थापित करने, यातायात सुविधाओं का बेहतर लाभ उठाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान स्थानीय लोगों से रो पैक्स सेवाओं के बारे में बातचीत भी करेंगे। रो पैक्स सेवाओं के अंतर्गत कार, बस और ट्रक जैसे परिवहन के साधनों को यात्रियों और माल समेत जलमार्गों के जरिए दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से वे आगे यात्रा कर सकते हैं। हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करेगी। इससे घोघा से हजीरा की यात्रा 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर की रह जाएगी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के लालपुरा गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल शाम इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और पुलिस के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान चलाया था। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थान पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए, इनकी पहचान की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय आतंकवादी ने आत्मसमर्पण किया। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार भारत को अगले 5 वर्ष में मोटर वाहनों के विनिर्माण का दुनिया का केंद्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन उद्योग को मदद देने के लिए नीतियां बनाई जा चुकी हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार जिस तरह से बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है, उससे भारत दुनिया का विद्युत चालित वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक मामले में रिपब्लिक टीवी प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने आज याचिका पर विचार के बाद समय की कमी का हवाला देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल दोपहर 12 बजे की जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार और शिकायतकर्ता अदन्य नाइक का पक्ष भी कल सुनेगी। गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने 4 नवंबर की सुबह मुंबई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अलीबाग के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से आवेदन के साथ 6,000 रूपये की मांग कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खेलो इंडिया का आयोजन 2021 में हरियाणा के पंचकुला में होना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी संबंधी हर संभव उपाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। पुणे में देश के इस प्रकार के पहले संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पराली जलाना एक और चिंता का विषय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी से प्रदूषण की समस्या का निवारण हो सकेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कोरोना और प्रदूषण की स्थिति के कारण पटाखे बेचने और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने को लेकर यह निर्णय किया गया है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने स्कूलों से कहा है कि वे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में विभाग के नियमों का पालन करें। उन्होंने अभिभावकों से कहा है कि वे इन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-425-7302 या व्हाट्सएप नंबर 9483045130 पर कर सकते हैं। श्री सुरेश कुमार ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन शिकायतों के समाधान के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 कार्य दिवस और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज मंडी जिले के अटल मेडिकल और अनुसंधान विश्वविद्यालय की वेबसाइट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से राज्य के चिकित्सा कॉलेजों के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। खेल और युवा मंत्रालय ने मणिपुर के दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह के परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 5 लाख रूपये की सहायता राशि मंजूर की है। मनी तोम्बी सिंह की मृत्यु 39 साल की उम्र में अगस्त 2020 को हो गई थी। युवा और खेल मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस निर्णय के बारे में बताया कि मनी तोम्बी ने भारतीय फुटबॉल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मणिपुर में वो कोच भी रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है, गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने पेंसिल्वेनिया में बढ़त बना ली है। इससे पहले आज पार्टी ने परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जॉर्जिया में भी बढ़त बना ली थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन 253 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 213 में आगे हैं। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिल चुकी है। अगर बाइडेन को जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट और पेंसिल्वेनिया में भी 20 इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी दावेदारी पक्की हो जाएगी। अमेरिका के 538 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में कम 270 वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक बैंगलोर ने 11वें ओवर में 4 विकेट पर 64 रन बना लिए थे। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर सुबह धुंध छाए रहने और आसमान साफ रहने की संभावना है। नई दिल्ली में तापमान न्यूनतम 13 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से रवि कपूर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 553 अंक बढ़कर 41,893 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143 अंक उछलकर 12,264 पर दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को कोरोना के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई।
वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रक्षा कर्मियों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।